तुम्हारे बिना नहीं रहे। नहीं, ये गलत है। ये गलत कुछ नहीं है। हाँ सीमा, कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, आप तो घर पर भी नहीं आई। हाँ संडे को आ जाऊँ, मैं फ्री हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे अंदर जरावियाँ चल रही है। भाभी मैं मजाक कर रहा था। मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक दोबारा मत करना। सॉरी भाभी, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। इतने दिन हो गए, उन्होंने मुझे अभी तक फोन भी नहीं किया। एक काम करती हूँ, उन्हें फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस आपको ही याद कर रही थी। कब आना होगा आपका? नेक्स्ट वीक आना होगा, कुछ दिनों की बात है। परेशान न हो और बताओ गौरव के क्या हाल है? गौरव भी अच्छा है। अच्छा, चलो तुम गौरव का ध्यान रखना। ठीक है, फोन रखती हूँ। ओके, टेक केयर। अरे भाभी जी, क्यों उलट काए बैठी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बैठी हूँ। भाभी जी, कोई बात जरूर है, अगर कोई बात हो तो बताओ। कुछ बात होती तो मैं तुम्हें जरूर बताती। आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो भाभी। तुम भी ना मेरी बस यूं ही तारीफ करते रहते हो। नहीं नहीं भाभी, आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें और कोई काम तो है नहीं, बस इधर उधर की बातें करने लगते हो। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा, और अपना ध्यान रखना। ओके। बचाओ। अरे भाभी जी, क्या हो गया? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। अरे भाभी जी, तुम खुद भी डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। गौरव, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। भाभी जी, तुम अगर कहो मैं यहीं सो जाऊं। ये तुम क्या कह रहे हो? भाभी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है भैया तुम्हें वो सुख ना दे पाएंगे और ना तुम कभी मां बन पाओगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं, ये गलत है। ये गलत कुछ नहीं है। गौरव, उस रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। भाभी, तुम चिंता मत करो, ये बात किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। तुम अपना ध्यान रखना और मैं चलता हूँ। ओके। हेलो। हाँ सीमा। हाँ ठीक है, कल मार्केट में मिलते हैं। ओके ओके, बाय। आप तो कल आने वाले थे। हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं बिना बताए चला आया। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी वानी कोई जरूरी नहीं है। और सब बताओ, सब ठीक है? जी। गौरव कहाँ है? गौरव तो किसी काम से बाहर गया है। मैंने आपको वहाँ बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया।
ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इनको दवाई दे दी है, ठीक हो जाएंगी ये। वैसे डॉक्टर साहब, इन्हें चक्कर आया कैसे? आज तक तो इन्हें चक्कर आया नहीं। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया था, दरअसल ये प्रेग्नेंट है, इसी वजह से इन्हें चक्कर आए थे। क्या आप प्रेग्नेंट हो? गौरव, तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है? अब आपको इनका ध्यान पहले से ज्यादा रखना है, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। तुमने आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी कर दी। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ भाई, मैं भाभी जी के पास ही हूँ। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये लो गौरव, गर्मा गर्म चाय पियो। अच्छा भाभी। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, चाय बहुत बढ़िया। सच में? हाँ। भाभी, आज तो बड़ी मस्त लग रही हो, आपकी आंखों में जादू है। हाँ वो तो है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ संबंध बनाए ना, अपने भाई के कहने पर। ए, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हारी और तुम्हारे भैया की सारी बातें सुन ली थी। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं बाप बनने का सुख कभी नहीं पा सकता था। डॉक्टर ने तो मुझे बाप बनने से मना कर दिया। अरे भाई, जो हुआ तो हुआ, भूल जाओ उसे। मैं आज के बाद भाभी से कोई संबंध नहीं रखूंगा। ठीक है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, झूठा प्यार का खेल खेल रहे थे मेरे साथ, नाटक कर रहे थे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। भाभी, मेरा दम घुट रहा। भाभी, जानते हो क्यों घुट रहा है? क्योंकि जो चाय तुमने पी थी ना, मैंने उसमें जहर मिलाया था। जहर, अब तुम ऐसे ही तड़प तड़प कर मरोगी। तड़पो, ऐसे ही मरोगे तुम। तुमने मुझे धोखा दिया अपने भाई के साथ मिलकर, ऐसे ही मरोगे तुम। मरो तुम।